हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ मजे में चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड राशन कार्ड से रिलेटेड। मैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ गोविंद स्वागत करता हूँ आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में रेगुलर पूछा जा रहा है कि सर, जब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो हमें ओटीपी रिसीव नहीं होता है, जिससे कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं होता है और हम नए राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड की सरकार पुराने राशन कार्ड, जिसके लिए कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है, उसे पहले सरेंडर करवा रही है, उसके बाद ही इस प्रोसेस को शुरुआत करेगी। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एप्लीकेशन पहले ही रिसीव हो चुके हैं, इसीलिए बीच बीच में वो ओटीपी का प्रोसेस बंद कर देती है, जिससे कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन ना हो सके। आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए, जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको ओटीपी रिसीव होने लगेगा और आप नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन मुझे मिला है, जिसमें लोगों ने पूछा है कि सर, मैंने एप्लीकेशन फिल करने के दौरान एड फैमिली मेंबर नहीं किया है, तो मैं आप क्या करूं? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एड फैमिली मेंबर करना भूल गए हो या किसी कारणवश आपने एड फैमिली मेंबर नहीं किया है, तो आपने जिस भी मुखिया के नाम से अप्लाई किया है, उस मुखिया के सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर बीएसओ के ऑफिस में फॉर्म को सबमिट करें। जब राशन कार्ड आपका बन जाएगा, उसके बाद ही अब आप फैमिली मेंबर को ऐड कर पाओगे, क्योंकि झारखंड के वेबसाइट में ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है जिससे कि आप फॉर्म को एडिट कर सकें। तो आप ये चीज करने की सोच भी नहीं सकते हो कि आप फैमिली मेंबर को दोबारा एप्लीकेशन को एडिट करके फिल कर पाओ। तो सबसे पहले आप जाकर डॉक्यूमेंट को बीएसओ ऑफिस में सबमिट करें। जब बीएसओ अप्रूव करेगा, उसके बाद डीएसओ अप्रूव करेगा, राशन कार्ड नंबर जनरेट होगा और उस राशन कार्ड नंबर से आप एड फैमिली कर पाओगे, मतलब फैमिली मेंबर का नाम एड कर पाओगे। तो ये थे दो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझसे कमेंट बॉक्स में झारखंड राशन कार्ड से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ अगर आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।